नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। कहा जाता है कि यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवताओं का निवास होता है। वास्तव में ये बातें महिला सशक्तिकरण की ओर इशारा करती हैं। लेकिन कुछ लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो महिला सशक्तिकरण को धरातल पर करने का कार्य करते हैं। आज प्रयागराज में 5 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पहले रेउफिन कंपनी ने प्रतिष्ठित वोट क्लब में स्त्री शक्ति के नाम से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। रेउफिन भारत के प्रमुख एडवांस डिजिटल उपभोक्ता लैंडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। यह आयोजन रेउफिन की महिला ग्राहकों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए किया गया और समाज में उनके अमूल्य योगदानों को भी यहां पर सराहा गया। उनके शक्तिकरण की बात भी यहां पर की गई और उनके शक्तिकरण की प्रशंसा की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि इस आयोजन को लेकर कंपनी के सीईओ ने क्या बात कही। हमारी कंपनी जो रेफिन है, हम लोग लोन देते हैं कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, यानी कि जो बैटरी से चलती हैं गाड़ियाँ, उनके लिए हम लोन देते हैं और उन लोगों को लोन देते हैं जो ये गाड़ियाँ लेके उससे कुछ कमाई करना चाहते हैं। और हमारे जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको और कहीं से लोन नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री या सिविल स्कोर जैसी चीज़ नहीं होती है, उनके बैंक में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं, उनको इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। तो ऐसे इतने सारे कस्टमर्स हैं जिनको और कहीं से लोन नहीं मिलते हैं। तो हम लोग ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी बनाई है, टेक्निक बनाई है, जिसके ज़रिए हम इन लोग को लोन दे पाते हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कई महिलाएँ भी हैं। हमारी लगभग 25% जो कस्टमर्स हैं वो महिलाएँ हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के लिए ऑटो का लोन लेना जनरली होता नहीं है और उनको कोई देता भी नहीं है। काफ़ी लोग तो बल्कि बोलते हैं कि हम ऑटो को लोन नहीं देंगे, लेकिन हम लोग बिल्कुल इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। तो एंड इसलिए अराउंड 25% हमारे जो कस्टमर्स हैं वो औरतें भी हैं। जी बिल्कुल। और इसमें हमारे जो कस्टमर हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो लोग लगभग महीने में 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। किसी छोटे शहर में, टियर 2 टियर 3 शहर में ऐसी कमाई करना मेरे ख्याल से एक जो आर्थिक स्थिति है कस्टमर की वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि कस्टमर्स के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा पाते हैं, वो कुछ सेविंग्स कर पाते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट्स भी कर पाते हैं। और कई जो ऐसे कस्टमर्स हैं हम देखते हैं 1 साल के बाद इतने पैसे बचा लेते हैं कि वो एक और रिक्शा खरीद के उसको फिर रेंट पर लगा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। क्या होता है कि इसमें कोई ज़्यादा इंट्रूजन नहीं होता, जैसे कि वो औरतों को बोलेंगे आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, घर के कागज़ लेके आओ, ये सब हम नहीं करते। एक ऐप के थ्रू है, 15-20 मिनट लगते हैं आपको एक कंप्यूटर फ़ोन के साथ ऐप के साथ बैठने और उसमें पूरा प्रोसेस रहता है। बहुत आसान प्रोसेस है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है। सबसे पहले तो ये हुआ। उसके अलावा हमारी जो पॉलिसी है वो कोई भेदभाव नहीं करती है, महिलाओं को भी लोन देती हैं, बिल्कुल मना नहीं करती उनको लोन लेने से, और उनकी सारी उनको सारी सपोर्ट करती है। लोन के बाद भी हम लोग ने सारी पार्टनरशिप की हुई है, टाइप्स की हुई है काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स के साथ। उनकी गाड़ियों में कोई भी दिक्कत होती है तो हम इंश्योर करते हैं कि उनकी गाड़ियाँ जल्दी जल्दी ठीक होएं और उनको कमाई करने का पूरा मौका मिले। जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करते हैं, हमारा पूरा फोकस वहीं पर है। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करते हैं जो अभी बाकी कोई कॉम्पिटिशन कर नहीं रहा है। हम पूरे हिंदुस्तान में हैं, तो 23 राज्यों में हम लोग 500 से अधिक शहरों में हैं और छोटे छोटे जगहों में, टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में भी हम लोग हैं, जहाँ पे बाकी लोग नहीं हैं।